नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा दोस्तों? जैसा कि आप सबको पता होगा, कक्षा 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 25 अप्रैल से पहले सभी की एग्जाम है वो फिनिश हो जाएंगी। इसके बाद आपके रिजल्ट की बारी आ गई। रिजल्ट आपका किस प्रकार से बनाया जा रहा है दोस्तों, किस प्रकार से आपकी कापियों को जांचने का कार्य हो रहा है, क्या आपकी जो कापियां हैं वो चेक हो रही हैं या फिर अभी आपकी कापियों को चेक नहीं किया जा रहा है, पूरी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और क्या इस बार छात्रों को फेल किया जाएगा या फिर सभी को पास किया जाएगा, कम से कम कितनी परसेंट बने, क्योंकि 2 साल से किसी भी छात्र को फेल नहीं किया गया है। कोरोना के कारण दोस्तों आपको पता होगा सभी छात्रों को पास कर दिया गया था बिना पेपर के। तो इस बार आपके एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स हैं उन पर दबाव रहेगा सरकार का कि किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाए। इसीलिए दोस्तों इस बार काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा और सरकारी शिक्षक ही आपकी बोर्ड एग्जाम की कापियों को जांचने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जैसे ही पेपर फिनिश हो जाता है उसके बाद आपकी जो कापियों को संग्रहण केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्र करके मंगवाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ से बोर्ड रात की ड्यूटी में विशेष गोपनीय कोड देकर जो आपके परीक्षक हैं जो कापी जांचने का कार्य कर रहे हैं उनके घर पर कापियों को भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले तो एकत्रित होकर आपकी कापियां जांची जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और इस बार किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाए, ऐसा यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से अपडेट है। और सभी को यहाँ पर अच्छे नंबर देकर पास किया जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार स्टूडेंट के साथ साथ टीचर पर भी अच्छे रिजल्ट का प्रेशर है। टीचर को अच्छा रिजल्ट देना होगा और अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से लिखते हैं तो दोस्तों आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बनेगी। और राजस्थान बोर्ड की जो कापियां हैं वो जांचने का कार्य चल रहा है। टॉपिक वाइज जिन स्टूडेंट ने साफ तरीके से लिखा है उनको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। और आपका रिजल्ट की बात कर लेते हैं, रिजल्ट 20 दिन के अंदर ही बनकर तैयार हो जाएगा राजस्थान बोर्ड का। और रिजल्ट जारी करने को लेकर अच्छी अपडेट ये है कि आपका राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट है वो मई में ही जारी हो जाएगा। 20 मई से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सत्र भी स्टार्ट हो रहा है और अप्रैल में ही आपकी एग्जाम सभी की फिनिश हो जाएंगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, राजस्थान बोर्ड की जो भी अपडेट आएगी या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, आपको बिल्कुल सटीक है वो सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।